वीके न्यूज़ राष्ट्र के नाम। पाकिस्तान को एकदम चकाचक नई नवेली सरकार मिल गई है। शहबाज शरीफ जो कि नए पीएम बने हैं, वो अपनी शराफत का मुखौटा लगाए जगह जगह घूम रहे हैं, तो वही विपक्ष के आधा दर्जन से ज्यादा नेता अपनी हिस्सेदारी साबित कर रहे हैं। लेकिन विदेश नीति में तो भैया ये सरकार भी फिसड्डी निकली। अब देख ही लो, कुछ दिनों पहले ही तालिबान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ रणनीति ये दोनों ही बना रहे थे। बोलो हाँ, बना रहे थे कि नहीं? और अब उसी तालिबान पर गोला बारूद बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आखिरकार क्यों, आगे आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, मेरा नाम है अमल और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। अफगानिस्तान में जब से आतंकवादी तालिबान की सरकार बनी है, तभी से वहां पर कोहराम मचा हुआ है और तभी से पाकिस्तान लगातार उस पर बड़ा प्यार बरसा रहा है। चाहे बात पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हो या नए नवेले शहबाज शरीफ की, दोनों ही अब से कुछ दिन पहले तक तालिबान पर बड़ा प्यार बरसा रहे थे। और खबर तो ये भी थी कि ये दोनों मिलकर भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि बिल्ली के भाग से छींका टूटा, और कुछ ऐसा ही हो गया इन दोनों की दोस्ती में। और अब भला हो भी क्यों ना, क्योंकि अब से कुछ दिनों पहले की ही खबर है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर तोप और हेलीकॉप्टर से किए हमले में करीबन 45 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। तालिबान ने इस बात की जानकारी साझा की है। इसी हफ्ते पाकिस्तान में नई नवेली सरकार बनी है और सरकार ने अपनी बागडोर संभाल ली है। तालिबान के अधिकारियों ने यह जानकारी साझा करते हुए बताया कि हमला अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से खोस्त और कुनार प्रांत में दोनों देशों की सीमा पर पूरी रात भर जारी रहा। तालिबान के एक अधिकारी ने नाम नहीं बताने पर शर्त रखी और उन्होंने कहा कि सेप्रोहो जिलों के 4 गांव पर बम बरसाए गए हैं। इसमें कम से कम 40 आम लोगों की मौत की खबर है। इसके अलावा 20 अन्य लोग भी घायल हो गए हैं। पीड़ितों में दो पड़ोसी लोग भी हैं जो कि 20 लोगों के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान इलाके के वजीरिस्तान के कुछ साल पहले वो लोग वहां से भागकर आ गए थे, क्योंकि वहां पर सैन्य की कार्रवाई चल रही थी। इन 40 लोगों में से 29 लोग एक ही परिवार के हैं। आपको बता दें कि सीमा पर गोलीबारी कुनार में पाकिस्तानी सेना तोपों का इस्तेमाल कर रही थी, जिसके बाद पिछले 3 दिनों से मरवारा, शेल्टन और नारी जिले में गोलीबारी करते हुए पाकिस्तानी सेना ने यह ऑपरेशन चलाया। तालिबान के सूचना और संस्कृति विभाग के प्रांतीय प्रमुख नजीबुल्ला हनीफ ने एक समाचार एजेंसी को ये जानकारी साझा की है कि बहुत दिनों पहले से तालिबान और पाकिस्तान के बीच में एक छोटा सा तनाव जो था वो जारी था, और उसके बाद हमले में 5 लोगों की मौत भी हो गई है। इनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। ये 5 लोग वो हैं जो कि औरतें और बच्चे, और इनमें कई ऐसे लोग भी हैं जो दिव्यांग भी हो सकते हैं। इसके अलावा कई लोग घायल भी हुए हैं। शेल्टन जिले के निवासी एहसानुल्ला ने मरने वालों की जानकारी साझा की। लेकिन एक सवाल बार 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 आपके जहन में उठ रहा होगा कि आखिरकार पाकिस्तान और तालिबान, जो कि लगातार अब दोस्ती के पैमाने पर बैठे हुए थे, जो कि भारत के खिलाफ साजिश भी रच सकते थे, आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि उन दोनों ने मिलकर अपने ही आपस में वो लोग लड़ बैठे? आपने बिल्ली और बंदर की कहानी सुनी होगी। जब दो बिल्लियाँ लड़ती हैं तो आखिरकार फ़ायदा बंदर को होता है। यहाँ पर भारत कहीं ना कहीं उस बंदर की भूमिका निभा रहा है, क्योंकि ये दोनों बिल्लियाँ बंदर के खिलाफ स्ट्रैटेजी लड़ रही थी, कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजीज बना रही थी, लेकिन इनको यही नहीं पता कि इनके अंदर भी कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स है, कहीं ना कहीं इनके बीच में भी दरारें हैं। और यही दरार जब है वो सामने आई जब अफगानिस्तान के लड़ाकों ने वहाँ पर TTP के 7 सैनिकों को मार गिराया, और उसके बाद से ही लगातार पाकिस्तान की एयरफोर्स एक्टिव हो गई। पाकिस्तान ने हमले की खबर की पुष्टि नहीं की है, और आपको बता दें कि उत्तरी वजीरिस्तान के कबायली इलाके में घात लगाकर किए गए हमले में पाकिस्तानी सेना के भी 7 जवान मारे गए थे। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस हमले का जवाब देने की चेतावनी भी दी थी। इससे पहले फरवरी में भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान की फायरिंग में 6 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई थी। तहरीक तालिबान इन सीमावर्ती इलाकों के दो तरफ चरमपंथी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। उसके अफगान तालिबान से काफ़ी करीबी रिश्ते भी हैं। पिछले साल अगस्त के महीने से आपको बता रहे हैं कि जब से अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता वापसी हुई है, तभी से लगातार उन्होंने हमले अलग अलग देशों पर अलग अलग तरीके से तेज़ कर दिए हैं, और इसी के बाद से लगातार इस बात का नतीजा देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान में भी किस तरह से सैन्य कार्रवाई देखने को मिली है। आतंकवादी गुट पाकिस्तान के अंदर भी
एक्टिव है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार का पुराना रिकॉर्ड है कि उसको आतंकवादियों से बड़ा प्यार है। चाहे फिर वो शहबाज की बात करो, चाहे फिर वो नवाज शरीफ की बात करो, चाहे फिर वो इमरान की बात करो, चाहे आप सबसे पहले लियाकत अली खान की बात कर लो। काबुल में अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी राजदूत को इन हमलों के मुद्दे का तलब कर दिया है। अफगान विदेश मंत्रालय ने एक बयान भी जारी किया है और कहा है कि इस तरह की कार्रवाई दोनों देशों के रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकती है। पाकिस्तान में नई सरकार पाकिस्तान में हाल ही में सत्ता परिवर्तन होने के बाद से ही आई है। अविश्वास प्रस्ताव के जरिए इमरान खान को सत्ता से हटाने का काम जब से हुआ है, तब से ही तालिबान का खेमा कहीं ना कहीं खुश भी नजर आ रहा था। लेकिन पाकिस्तान में चरमपंथियों को पनाह देने के आरोप से तालिबान लगातार पूरी तरह से किनारा करता रहा है। हालांकि दोनों ही देशों के बीच में 2700 किलोमीटर लंबी सीमा पर बाड़ लगाने से भी नाराजगी साफ देखने को मिलती है। लेकिन जिस तरह से ये ऑपरेशन किया गया है, पाकिस्तान के ऊपर भी आप आरोप लग रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी सेना जो है वो इससे किनारा कर रही है। वो तो कह रही है भैया हमने तो कुछ किया ही नहीं है, और अफगानिस्तान कह रहा है कि भैया जो भी कुछ हो गया है सब आपने ही किया है। ये एक सास बहू की लड़ाई की तरह भी है, जहाँ पर बहू कुछ ना कुछ कांड कर देती है और उसके बाद सास जो है वो उससे किनारा कर लेती है, और बहू जो है वो कहीं ना कहीं भोली बनने का नाटक करती है। पाकिस्तान के ऊपर भी ऐसे ही आरोप लग रहे हैं। आप इस आरोप के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की सेना झूठ बोल रही है? और अगर पाकिस्तान की सेना सच बोल रही है तो क्या इस दोस्ती के अंदर एक बार फिर से खलल देखने को मिलेगी, और भारत को इससे क्या फायदा होगा? आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बाकी देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।